Hello students, this is Shaheen and today we will discuss one more topic, that is proportion. Proportion होता क्या है? What is proportion? तो proportion का मतलब होता है equality of ratio. Equality of ratio. For example, अगर आप ratio ले रहे हो A ratio B is equals to B ratio C, तो ये कहलाएगा आपका proportion. Okay. और कुछ points हैं जो discuss करने चाहिए रेशियो की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, दैट इज फर्स्ट और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है. फोर्थ प्रोपोर्शन मींस ए और बी, इनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म. ये लिख लीजिए अपनी कॉपीज में क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं. एक्सट्रीम टर्म और जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म होती है इनको कहते हैं मिडिल टर्म. Means B and C. For example, अगर रेशियो A, B, C, D की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इन दोनों को तो कहेंगे एक्सट्रीम और इन दोनों को कहेंगे मिडल. सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एक रेशियो A by B की फॉर्म में दे रखी है और दूसरी C by D की फॉर्म में दे रखी है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इसको लिखते हैं A into B और B into C. ये सिंपली एक प्रोसीजर है. अब अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, सपोज ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो और ये दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मली इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर थ्री रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी और सेम रेशियो बी रेशियो सी, तो नॉर्मली आपका ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाता है. अगर थ्री क्वांटिटीज ही दे रखी है आपको और वो सेम है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाता है. नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट सीखने के लिए मिलेगा, दैट इज मीन प्रोपोर्शन. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका बी इज इक्वल टू रूट में ए सी. सेम यही है, इसको अगर आप स्क्वायरिंग हटा दोगे तो दैट इज बी इज इक्वल टू रूट ए सी. अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम एस्पेक्ट से. सो वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन प्रॉपर्टी कहती है अगर ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी है तो ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी इज इक्वल बी इंटू सी हो जाएगा. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था. ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है तो ए विल बी मल्टीप्लाई बाय डी एंड बी विल बी मल्टीप्लाई बाय सी. नॉर्मल. नेक्स्ट ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के इक्वल है तो अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं, बी रेशियो ए हो गया और डी रेशियो सी हो गया, तो अगर इसको अपोजिट करते हैं तो दैट इज इनवर्टेंडो. अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं अगर इसको इनवर्टेड करके दे दिया, अपोजिट करके दे दिया और आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू मिल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के इक्वल है, तो अगर ए को आप सी के रेशियो में कंपैरिजन करते हो, बी को डी के रेशियो में कंपैरिजन करते हो, तो इसको अल्टरनेंडो कहते हैं. तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इनवर्टेंडो, अल्टरनेंडो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सबसे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं. अब ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के इक्वल है तो ए प्लस बी डिवाइड रेशियो में बी हो जाएगा और सी प्लस डी रेशियो में डी हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कॉम्पोनेंट. एक और प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप, दैट इज डिविडेंडो. डिविडेंडो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे माइनस कर दिया जैसे यहाँ पे प्लस किया था. ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है तो ए माइनस बी रेशियो में बी हो गया और सी माइनस डी रेशियो में डी हो गया. अब इन दोनों का एक निचोड़ निकला है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो. अगर आप ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी था, अगर आपने कॉम्पोनेंडो पढ़ा, कॉम्पोनेंडो के एस्पेक्ट में कहते हैं ए प्लस बी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन में डी के. और डिविडेंडो में पढ़ा कि ए माइनस बी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन में डी के. तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी से बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी से डी एलिमिनेट हो जाएगा.
तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सिमिलर चीज कहती है, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आपको सीखने के लिए मिलेंगे कि आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉपर्टी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें चार ऑप्शन है ये किससे रिलेटेड है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के बाद जो नेक्स्ट आपको चीज सीखने के लिए मिलेगी दैट इज एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज ए रेशियो बी अगर इक्वल है सी रेशियो डी के, वो भी इक्वल है ए रेशियो एफ के, मीन्स एन नंबर ऑफ रेशियोज है वो आपस में इक्वालिटी में है, तो इसको एडेंडो कहते हैं। एडेंडो मीन्स ए प्लस सी प्लस ई, मीन्स न्यूमरेटर विल बी एडेड, न्यूमरेटर एड कर दिए जाएंगे, डिनोमिनेटर एड कर दिए जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाएंगे आपके एड ऑन करने के बाद एडेंडो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोपोर्शन, इवन सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोपोर्शन, सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन सेज द फोर प्रोपोर्शन टू फोर सिक्स एट, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था फोर प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो नाउ वी विल कैलकुलेट इट। फोर बाय सिक्स इज इक्वल्स टू एट बाय फोर, प्रोपोर्शन पता नहीं है तो फोर इज मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क, एट सिक्स आर 48 एंड क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 48 बाय फोर, दैट विल बी 12, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12, 18, मैंने जैसे ही आप लोगों को बताया था अगर 12/18 एक रेशियो है और थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब आपका जो आंसर निकलेगा दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी की फॉर्म में निकलेगा। बी स्क्वायर ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 × 18 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 है और सी हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन ही कैलकुलेट करना है, तो सी इज इक्वल्स टू 18 × 18 डिवाइड में 12, सो 6 2 6 3 2 1 2 9, तो सी की वैल्यू आपकी आ गई 27, सो आपका जो इसका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 27। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25-81, मीन प्रोपोर्शनल की बात की थी हमने, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है बी इज इक्वल्स टू रूट में ए सी, नॉर्मल रूट में ए की वैल्यू आपकी 25 है, सी की वैल्यू 81 है, 25 5 का होता है, 81 9 का होता है, नॉर्मल 9 5 45, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों की, सी डायरेक्ट एक 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 लाइन में सॉल्व हो जानी है, सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 18, अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। द नंबर, एक नंबर है उसका जो प्रपोर्शन 26 के साथ है वही प्रपोर्शन 6 का 13 के साथ है, तो देखो ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, शॉर्टकट करना है सबसे सिंपल, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई यहां से 12, नॉर्मल, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a, ए स्क्वायर और सी, अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पता, नॉर्मल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके से है, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ। 2a अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो इससे, तो 2a अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन में x की वैल्यू आदत पड़ रखी होती है, x से सॉल्व करते हैं, 2ax इज इक्वल्स टू c इनटू a स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू c इनटू a स्क्वायर अपॉन में 2a, a से कैंसिल आउट, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी दैट इज ए सी अपॉन में 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं,
चार नंबर दे रखे हैं आपको, 1/2, 1/3, 1/5, 1/x, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/5, 1/x, ये भी मैंने सॉल्व करने का आपको प्रोसेस बताया। ए मल्टीप्लाई हो जाता है डी से, बी मल्टीप्लाई हो जाता है सी से, सिमिलरली यहाँ ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 3/2 इज इक्वल्स टू x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15/2 x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सिंपलेस्ट वन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x² एंड 27y², तो 12x² और अगर मैं इसकी बात करूं 12x² इंटू 27y², ये आपका रूट में है। 12 को कैसे लिख सकते हो आप, एलसीएम लेके कर लो, वैसे भी सॉल्व हो जाए। 12 × 2 × 3 × x × x, 27 × 3 × 3 × 3, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ। नेक्स्ट, अगर इसमें से पेयर निकालोगे तो 3 का एक पेयर, दो पेयर और ये एक पेयर, तो 2 × √ हटा दो, 2 × 3 × 3 × x के भी दो पेयर एक बाहर, y के भी दो पेयर एक बाहर, तो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 xy, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक, मेरी तरफ से एक ट्रिक समझाती हूँ आपको इसके लिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, 7th हो गया, 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन के लिए अगर आपको कभी भी इस तरीके से रेशियो दी जाएगी, ए के नीचे क्या है, कुछ नहीं, 1 मान लो, बी के नीचे 2 है और सी के नीचे 5 है, तो जो इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, वो इसकी रेशियो होती है। अब इसको भी सॉल्व करने का एक वो है मेथड, अगर a by 1 is equals to, इसको कंपैरिजन करोगे 1 के साथ, तो a का रेशियो 1/1 ही आना है। तो नॉर्मली इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर में दे रखा है आपको टर्म, इसका मतलब है रेशियो हो गई 1:2:5, कंफ्यूज ही नहीं होना, नीचे वाली वैल्यूज कंपेयर कर लो, तो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ ए डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय 7, तो पहले तो इसकी रेशियो देख लेते हैं, रेशियो हो गई इसकी 3:4:7। अब इन्होंने बोला ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो, प्लस कर दो, 3 + 4 + 7 डिवाइड में 7, तो 3 × 4 = 7, 14/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ गया 2, सी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 10th देखें तो P/Q इज इक्वल्स टू R/S, अब ये क्वेश्चन समझाने वाला है, बहुत ध्यान से समझना। P/Q इज इक्वल्स टू R/S, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, ताकि पेन भी ना चलाना पड़े, मुझे तो समझाना है तो पेन तो चलाना पड़ेगा। P/Q इज इक्वल्स टू R/S इज इक्वल्स टू 2.5/1.5, तो P की भी वैल्यू 2.5 है, R की भी वैल्यू 2.5 है, Q की भी वैल्यू 1.5 है, S की भी वैल्यू 1.5 है, तो P/S/QR, तो P और S की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 और S की वैल्यू हो गई 1.5, Q की वैल्यू कितनी है हो गई 1.5 और R की वैल्यू हो गई आपकी 2.5, 2.5 से 2.5 कैंसिल, 1.5 से 1.5 कैंसिल, आपकी रेशियो 1:1 की फॉर्म में आ गई, दैट इज बी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, बिल्कुल सेम है, x/y इक्वल है w/z के, इक्वल है 2.5/1.5 के, x की वैल्यू 2.5, w की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 1.5, z की वैल्यू 1.5, तो आपसे बोला क्या है, x + z करो, x की वैल्यू कितनी 2.5 प्लस z की वैल्यू कितनी 1.5 डिवाइड, y की वैल्यू कितनी 1.5
प्लस अब पूछ रहे हैं डब्ल्यू की वैल्यू, W की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5। एक मिस्टेक हुई है सर, एक मिनट देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। X रेशियो Y, Z रेशियो W, X by Y इज इक्वल्स टू Z by W, 2.5 डिवाइड में 1.5। इन्होंने X प्लस Z बोला है, X प्लस Z बोला है मतलब 2.5 और W प्लस Y बोला है तो 1.5। तो ये हो गई आपकी वैल्यू 5 और ये हो गई आपकी वैल्यू 3। एज सिंपल सी आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज 5x-3y इज इक्वल्स टू 5y-3x इज इक्वल्स टू 3/4। तो आप x रेशियो y की वैल्यू बताओ, इधर ही सॉल्व करते हैं। 5x-3y अपॉन 5y-3x इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20x-4 3 12y इज इक्वल टू 15y-3 3 9x। तो 20x में प्लस कर दो 9x, 15y में प्लस कर दो 12y, तो आपका यहां से आ गया 29x और ये हो गया 27y। तो रेशियो विल बी x by y, तो आ गया आपका 27/29। ये ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज मत होना कि ये गलत आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से गई हूं मैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर हो गए 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। थर्टीन की बात करते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:5। तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आपके लोगों के लिए है, जैसे कि अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो पहले ए रेशियो बी 3:2 लिख लो, बी रेशियो सी 3:5 लिख लो, इसके करीब है 2, इसके करीब है 3। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा हो गया 10, 3 2 जा हो गया 6, 3 3 जा हो गया 9। आई होप सो ये आपने कहीं पे नहीं पढ़ी होगी, 9:6:10, दैट इज द शॉर्ट। तो आप लोगों का ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन सेज x डिवाइड में 2, y डिवाइड में 3, z डिवाइड में 7, 2x-5y+4z 2y। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ क्योंकि x की वैल्यू 2 है, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो z की वैल्यू, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, सिंपल। 2 इंटू वाई बोला है, y की वैल्यू हो गई 3, तो 2 2 जा 4, -5 3 जा 15, +7 4 जा 28, ये हो गया आपका 2 3 जा 6, ये -9 28 -9 सॉल्व करके 17/6 और ऑप्शन नंबर डी है आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 सेज डिवीजन ऑफ 750 इनटू 3 पार्ट्स, 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो दैट इज 4/ टोटल कर दो 4 5 9 9 और 7 हो गया आपका, 9 6 हो गया 15, 9 और 6 हो गया 15, ठीक है। 15 5 5 4 जा 20,
अब देखो ऑप्शन के हिसाब से तो यही ऑप्शन टिक हो गया, क्योंकि और ऑप्शन में कोई है नहीं, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तभी स्पीड मिलेगी। 750 × 5/15 मुझे तो सारे सॉल्व कराने हैं, सो 50 × 5/5 = 250। नेक्स्ट 750 × 6/15 इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 50 × 6/5 = 30। ऑप्शन आ गया आपका 200, 250 और 300। नाउ नेक्स्ट 17 से 13 क्वेश्चन कराऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बी हैप्पी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड टुडे वी विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 सेज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। तीन लोगों की जो एज है वो 150 ईयर्स है। 10 साल पहले जो उनका रेशियो था वो 7x, 8x और 9x था। 7x था, 8x था, 9x था और उनकी एज 150 थी। लेकिन अगर 10 साल मैं तीनों में से माइनस करूंगी तभी तो हम पहले 10 साल पहले जा पाएंगे। अगो बोला है, ये नहीं भूलना। 10 साल अगर तीनों में से माइनस करूंगी तो इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10 मीन्स 30 साल में माइनस करूंगी तब जाके मेरी रेशियो बनेगी 7x + 8x + 9x। अब बन गई मेरी 120। इनको सॉल्व किया तो मुझे मिला 24x = 7, 8, 15, 15 और 9 हो गया आपका 24, 120। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिवाइड में 24, 6, 4 = 6, 20 = नेक्स्ट कैंसिल 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, मीन्स 8 × 7 = 35 एक, दूसरी 8 × 5 = 40 एक, 9 × 5 = 45 एक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बोला है उनकी प्रेजेंट एज, जो कि बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। प्रेजेंट एज में मतलब आज की डेट में, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 प्लस कर दो तीनों में 45, 50 और 55। सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब हुआ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द नंबर 14, 16, 35, 42 प्रपोर्शन में नहीं है, फोर्थ टर्म बताओ क्या होगा। फोर्थ टर्म की बात करें तो हम फोर्थ टर्म एज्यूम ही नहीं कर रहे कि हमें दे रखी है 35/42। अगर ऐसे सॉल्व करती हूँ मैं, 42 नहीं दिया, सपोज 42 नहीं दिया आपको, आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 14 अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं तो ये हो जाएगा 2 7 = 2 8। अगर ये 5 के टेबल में 7 बार पे आता तो बताओ किसके टेबल में 8 बार पे आएगा। 40 5 के टेबल में, अगर ये 7 बार पे आता है तो 5 के टेबल में ये 8 बार पे आएगा। या तो आपका ये तरीका ये कर लो। दूसरा भी ऑप्शन है 14/16 लिया आपने = 35/x लेके कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, ऐसे भी कर लोगे क्योंकि ये प्रपोर्शन में नहीं है, और प्रपोर्शन में नहीं है क्योंकि फोर्थ टर्म की वजह से। ऐसे भी करोगे ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो 19 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, तो इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। x/y = z/w implies y/x उल्टा कर दिया, w/z उल्टा कर दिया, तो ये इन्वर्टेंडो कहलाता है, ना कि डिविडेंडो भी नहीं, कॉम्पोनेंडो भी नहीं, अल्टरनेंडो भी नहीं, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो p/q r/s p-r है और आपका दे रखा है p-r q-s दोनों में सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन में हमने इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, बट इसको सब्ट्रेहेंडो बोलते हैं, क्योंकि एडेंडो हमने पढ़ा था जितने भी रेशियोज दे रखे होते हैं वो सब प्लस में हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। a/b दे रखा है, c/d दे रखा है, प्लस कर दिया इन्होंने, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ये भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। इसको कॉम्पोनेंडो कहते हैं, और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं, सिर्फ कॉम्पोनेंडो नहीं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। u/v = w/p, u-v दे रखा है, u + v दे रखा है,
डब्लू माइनस पी दे रखा है, डब्लू प्लस पी दे रखा है, तो इसको तो क्या कहेंगे, इसको तो हम ना कॉम्पोनेंटो, इनवर्टेंडो में क्या होता है, इनवर्टेंडो के अंदर होती है आपकी, ये नहीं है क्योंकि इसमें अपोजिट हो जाती है, अल्टरनेंडो भी नहीं है, एडेंडेंडो भी नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज 12/16 इज इक्वल्स टू, स्टार दे रखा है, x मान सकते हो उसको, x बाय 20, इसको एलिमिनेट करो, 4 4 16, 4 5 20, अब एलिमिनेट, 4 1 4 4 3 12, x की शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट, 5 3 15, 15 हो गया आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, 24 भी बिल्कुल सेम, अगर 24 की बात करूं तो 4/x इज इक्वल्स टू 9/, इसको सॉल्व करूंगी तो मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, 13 2 26 + 1 27/2, इसको सॉल्व करो तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और 27/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 के साथ, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 27 × 2 / 9, 9 3 जा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3 2 जा 6, सिंपल ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, इसके अंदर बोल रखा है मीन प्रोपोर्शन बताओ, ये भी बहुत सिंपल मैंने तरीका बताया था, बट इसमें कंफ्यूजन होती है पॉइंट की, 1.4 ग्राम और 5.6 ग्राम मीन प्रोपोर्शन एक बार और बता देती हूँ, मीन प्रोपोर्शन 20 इज इक्वल्स टू रूट में एसी होता है, तो बी निकालना है, 1.4 रूट में रहेगा और 5.6, एलसीएम लेके कर लो, जिस मर्जी से कर लो, 1.4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 0.7, एक ही पॉइंट में रहने देना, कंफ्यूज हो जाओगे, 5.6 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, दैट इज 2 2 4 2 8 8 7 7, तो ये कहलाएगा आपका, 4 पेयर इसके बन गए तो 2 पेयर इसके बाहर, और एक पेयर इसका बन गया तो एक पेयर इसका बाहर, तो 2 2 4 4 7 28, तो 2.8, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा, एक मिनट ऑप्शन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हो जाएंगे, थोड़े से रह गए। क्वेश्चन नंबर 26 सेज ए बाय 4, तो ए बी सी रेशियो क्या बन गया, 4:5:9, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 4 + 5 = 9, 9 + 9 = 18 डायरेक्ट, और सी बोला है मतलब 9, तो ये भी कुल मिला के आपका 2 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। अब तो इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि क्वेश्चन इतने सॉल्व जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4, अगर इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3/4 एक्स, इसमें 6 ऐड कर रहे हो दोनों टर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रेशियो 4/5, रेशियो वाली क्लास में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 3 5 = 15x प्लस 6 5 = 30, 4 4 = 16x + 6 4 = 24, तो ये हो जाएगा आपका 15x - 16x = 24 - 30, -x = -6, कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब आपसे यहीं पे नहीं क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है नंबर्स बताओ, तो नंबर्स क्या होंगे, 3/4 की रेशियो में होंगे, तो 6 3 = 18 और 4 6 = 24, मीन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। 27 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 28 सेज ए इज इक्वल्स टू 4 = b/5, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बहुत सिंपल सी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग में प्लस होता है, जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कुछ भी नहीं है इसमें कंफ्यूज नहीं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये एक ही प्रॉपर्टी में मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस ऊपर है माइनस नीचे, लेकिन माइनस
की वजह से ये गलत, यहाँ पे प्लस माइनस 4, 4, 5, 5 तो ये करेक्ट, इसके बाद तो उसका सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सेज ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:1 की फॉर्म में, तो ए रेशियो बी का रूट लगा दो, 4/1 प्लस बी बाय 1/4, 4 को 2/1 लिख सकते हैं प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो 2, अब ये हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5/2, इससे भी सिंपल क्या मिलेगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि इन सब में मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट नहीं है कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि ये क्वेश्चन क्या है क्या है। अब क्वेश्चन सेज एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए और वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस बी, अब इसको बनाना पड़ेगा। हमें के मानना पड़ेगा कॉन्स्टेंट की फॉर्म, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई बी प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय के, फिर y की वैल्यू आ गई आपकी क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं k के साथ, k मल्टीप्लाई में c प्लस a माइनस b, सिमिलरली z की वैल्यू आ गई a प्लस b माइनस c मल्टीप्लाई बाय k, आगे लिख लो पीछे लिख लो मल्टीप्लाई में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है b माइनस सी को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, x की वैल्यू निकालनी, मैंने देखो यहां से निकाली है x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है, z की वैल्यू ये आई है, इन सब की वैल्यूज को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे, तब मेरी वैल्यू आएगी। सो दोबारा इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए आपको b माइनस सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ प्लस c माइनस ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y के साथ प्लस a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z के साथ। यहीं तक कॉम्प्लिकेशन थी, उसके बाद सिंपल है, b माइनस सी इसको मल्टीप्लाई अगर मैं x के साथ करूंगी तो b प्लस सी माइनस ए k के साथ मल्टीप्लाई, प्लस c माइनस ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो c प्लस a माइनस बी, यहाँ पे कंसंट्रेशन लूज नहीं करना नहीं तो गलती हो, a माइनस बी a प्लस बी माइनस सी k के साथ, अब k यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है तो k ले जा रही हूं मैं बाहर, अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 1/1 कंफ्यूज नहीं होना बहुत ध्यान से, b को b के साथ मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर मिला, b को c के साथ मल्टीप्लाई किया b c मिला, b को a के साथ मल्टीप्लाई किया a b मिला, फिर मल्टीप्लाई किया माइनस बी सी मिला, माइनस सी स्क्वायर मिला, प्लस का ए सी मिला, फिर अगेन इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ फिर ए को मल्टीप्लाई, तो सी का स्क्वायर मिला ए सी माइनस बी सी, माइनस में ए सी माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए बी, आगे प्लस में, अब इस ए को मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, बी को मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर मिलेगा प्लस ए बी मिलेगा माइनस ए सी मिलेगा, माइनस ए बी मिलेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी सी, अब ये हो गया क्लोज। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, बी स्क्वायर ढूंढो, बी स्क्वायर कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल,
ए बी से ये प्लस का ए बी कैंसिल है, इस माइनस सी स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल है, ए सी से ये ए सी कैंसिल आउट, इस माइनस बी सी से ये प्लस का बी सी कैंसिल आउट, इस प्लस का ए सी से माइनस का ए सी कैंसिल आउट, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची। माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर और ए बी से ए बी कैंसिल आउट, मीन्स के को मल्टीप्लाई करोगे अगर जीरो से तो आपका आंसर आएगा जीरो। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, मल्टीप्लाई में गलती कर दोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, मल्टीप्लाई में गलती नहीं करनी। इसको मल्टीप्लाई इन सब के साथ, इसको इन सब के साथ, इसको इन सब के साथ, सिमिलर प्रोसेस में सारों को मल्टीप्लाई कर लेना। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।